अमुक बगने के वे टेररिस्ट नहीं है, आतंकवादी नहीं है, हम शैतान नहीं है, वैम्पायर नहीं है। बगने के वे हमसे आओ, मिलो, फेस टू फेस डिस्कस करो, राउंड टेबल बैठो। अपडेट तो यही है, हम लोग जब से हंगर स्ट्राइक शुरू किया अभी तक बेहतर रहा है, लेकिन थोड़ा सा वीक हो रहा है बदन जो ना प्रॉब्लम हो के। अभी जस्ट हमारा यहाँ का मजिस्ट्रेट साहब आया तो उन्होंने हमको कल एक्चुअली डॉक्टर वाला टीम जो हम लोग को यहाँ से रेफर दिया था तो हम लोग जीत करके बैठा है। तो आज मजिस्ट्रेट सर जो आके ज़बरदस्ती ये करने का वजह से हम लोग अभी जस्ट मेडिकल जाके आया है। तो वहाँ से वही डॉक्टर जो कुछ कुछ मेडिसिन दिया और पूरा टेस्ट करके अभी जस्ट वापस आया। सर आप लोग को मेडिसिन दिया, आप लोग हंगर स्ट्राइक बैठ रहे हैं, तो आप लोग मेडिकल को लेगी मेडिसिन को लेगी क्या? नहीं, हम लोग तो डॉक्टर को भी वही बोला, इसलिए हम लोग मजिस्ट्रेट को भी कल से बात किया कि हम लोग मेडिकल जाने से भी हम लोग अभी हंगर स्ट्राइक में, जब तक हम लोग का डिमांड जो फुलफिल नहीं होगा तब तक हम लोग ये मेडिसिन सिस्टम को हम लोग पसंद नहीं करेगा। तो जो हम लोग सेक्रीफाइस देना उसके लिए हम लोग यहाँ बैठा हुआ है। तो इसलिए अभी जो वहाँ में डॉक्टर हम लोग को कहना ये कि मेडिसिन खाने से अभी पानी पीना पड़ेगा और कुछ खाना पड़ेगा, तो हम लोग का ये जो हंगर स्ट्राइक का मीनिंग नहीं है। इसलिए हम लोग डॉक्टर को भी बोला हम लोग मेडिसिन नहीं खाएगा, इसलिए हम लोग को जो प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया हम लोग मेडिसिन नहीं लिया, ऐसे ही आ गया। तो आज आप लोगों का तीसरा दिन है, तो क्या लगता है आगे कितने दिन और कर पाएंगे? ना वैसे तो हम लोग जब तक अपना जो डिमांड है उसको गवर्नमेंट जब तक फुलफिल नहीं करेगा तब तक, जब तक सांस चलेगा तब तक हम लोग करते रहेगा, और जितना हम लोग का जो ये है डिमांड है उसको गवर्नमेंट फुलफिल करना है, जब तक नहीं करेगा तब तक हम लोग चलते रहेगा, वही हम लोग का डिमांड है। पब्लिक से जो सपोर्ट मिलना है वो तो पब्लिक अभी जो हम हंगर स्ट्राइक में है वो कुछ ऐसे तो ये नहीं करता है, जो हम लोग को अच्छा पाता है उन लोग कुछ कुछ आइडिया ज्ञान नॉलेज देने के लिए आता है, कोई बाय कॉन्टेक्ट से सजेशन देता है, और कोई कोई लोग सोशल मीडिया का थ्रू आप लोग का न्यूज़ का थ्रू से बहुत लोग कमेंट्स अच्छा करने वाला कर रहा है। तो उस हिसाब से हम लोग जो भी ये को दिल से मानता है कि पब्लिक हम लोग का साथ में फुलफिल सपोर्ट है, वही हम लोग मान के बैठे हैं। मैसेज वही है कि हम लोग का अभी यही कहना है, हम लोग जो जो हम लोग का मकसद है, जो डिमांड है 5 पॉइंट जो हम लोग डिमांड किया है, जो पंचायत का बात को लेके जो अरुणाचल में जो गलत काम कर रहा है, गलत इस्तेमाल पंचायत को लेके जो ये हम लोग बगने के वे टेररिस्ट नहीं है, आतंकवादी नहीं है, हम शैतान नहीं है, वैम्पायर नहीं है। बगने के वे हमसे आओ, मिलो, फेस टू फेस डिस्कस करो, राउंड टेबल बैठो, मीडिया वे क्या हम ऑन रिकॉर्ड में बात करेगा। हमारा डिमांड कोई किसी को काटना है, किसी को फेंकना है वो नहीं है, किसी का पैसा खाया हुआ को निकलना वो नहीं है। मेरा डिमांड क्लियर करते कि हमारा स्टेट में नॉन एपीएसटी धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, लीडरशिप बन रहा है, ग्राम मेंबर लोकल सेल गवर्नमेंट में लीडरशिप बन के बैठा, उसको हटाओ बोल रहा है। और DCM का ऊपर ये है कि वो भी उसका डॉक्यूमेंट भी चारों तरफ से घोटाला है, वो टोटली पुरजारी है। तो आप उसको पुरजारी अपना आपको अगर मेन भी साबित करता है तो हमको क्लियरेंस दो, कामती है तो कामती का हिसाब से आप साबित करो, साबित करके दिखाओ। और आपको हम गोहाइन नहीं बोल रहे, गोहाइन आप बिलोंग्स फ्रॉम यू आर द असम ट्राइब्स, आप उन उसको हमको क्लियरिफिकेशन देने में आप इतना तकलीफ क्यों? और काम सुन रहा था वो इनडायरेक्ट में विक्चर रहता, मेरा नाम चोनामेन को कौन नहीं जानता है? उस चोनामेन का जगह में आप क्लियरेंस दो, आपका बाप गोहाइन था तो आप मेन कैसे आया, उसको क्लियरेंस दो। और आपका बाप का गोहाइन सर्टिफिकेट नकली है वो के साबित करो ना, तब हम लोग मानेगा। आप हमसे बकता क्यों है? एक बार प्रेस आने में आपको क्यों इतना तकलीफ हो रहा है? ये हम लोग का मकसद है। इसलिए हम लोग जो है अभी मेडिकल जाके आया, जैसे डॉक्टर हम लोग को बोला हम लोग कुछ भी मेडिसिन वेके नहीं है, जस्ट कंसल्ट करके वापस आया है, ये है।